तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मोहरिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सावल होते हैं दोस्तों, इस सावल में आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज कुछ हटके मतलब थोड़ी अलग टाइप की वीडियो होने वाली दोस्तों। जितने भी आदमी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है दोस्तों सावल के ऊपर, उनसे थोड़ी अलग वीडियो बनने वाली है कि सावल करते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए और सावल की जो सावल में हम गलतियां क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो ये क्या है दोस्तों, एक माचिस की तीली है दोस्तों। आप वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये माचिस की तीली है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी पतली पतली तीली है, बिल्कुल मतलब पतली तीली है दोस्तों। और हम कितने बड़े हैं दोस्तों, और हमारा ये तीली क्या चीज़ है दोस्तों। हम इस जो माचिस की तीली है दोस्तों, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं, दो टुकड़े कर देंगे। अब देखो मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक और मैं तीली लेता हूँ दोस्तों, माचिस की और तिल्ली देखे दोस्तों, इसको मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। उड़ा दिया मैंने तिल्ली को। लेकिन दोस्तों, अगर इसी तिल्ली को मैं आपको बोल दूँ, ये जो माचिस की तिल्ली, इसको मैं आपको बोल दूँगा आपको इस तरह से दम लगा के तोड़ना, मतलब ऐसे पकड़ना तिल्ली को दोस्तों, और इसको ऊपर से ऊपर नीचे से बल लगाना, साइड से आपको थोड़ा सा भी बल नहीं लगाना, ऊपर से आपको इसको बल लगा के तोड़ना है दोस्तों। तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों, आप इसको नहीं तोड़ पाओ, नहीं तोड़ पाओगे। अगर आप तोड़ देते हो दोस्तों, तो आपको मेरी तरफ से इनाम है दोस्तों, अगर इस तिल्ली को आप तोड़ देते हो। तो इसके पीछे की फिजिक्स क्या है दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझूंगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आपको इस प्रकार से आप मतलब इसको यार रख के दोनों फिंगर को दम लगा के आप नहीं तोड़ सकते हो, गारंटी। आप तो क्या, कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर कोई तोड़ के बता दे दोस्तों, तो वीडियो बना दीजिएगा और मुझे मेंशन करिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। इस प्रकार से अगर कोई माचिस की तीली को तोड़ सकता तो दोस्तों, इसके पीछे फिजिक्स ये है दोस्तों कि ये जो माचिस की तीली आप देख सकते हो, ये बिल्कुल दोस्तों सीधी है, मतलब ये बिल्कुल सावल में है, मतलब ये जो है ना दोस्तों बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और इसका यह क्यों बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों जो मकान मालिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि हमारा जो पिलर होता है दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि मजबूती बनी रहे, थोड़ा बड़ा पिलर बनाओ। तो दोस्तों, बड़ा पिलर से होता कुछ नहीं है। पिलर चाहे 9x14 का पिलर भी होगा ना दोस्तों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अगर वो सावल में सही से होगा, बिल्कुल सीधा होगा इस तिल्ली की तरह। तो अगर उसके ऊपर हम खड़ा वजन पटकेंगे, नीचे बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल सावल में दोस्तों बिल्कुल सीधा है, और इसके ऊपर हम खड़ा ऊपर से वजन पटकेंगे तो दोस्तों वो पिलर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वही पिलर इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा है, सावल में नहीं है, फिर हम ऊपर से इसके ऊपर वजन पटकेंगे तो पिलर दोस्तों पूरा गिर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चलो तिल्ली को छोड़ते हैं, अब हम लेते हैं ईट, ठीक है। ये हमारा पिलर है दोस्तों, ठीक है, ये पिलर है बिल्कुल 14x14 का पिलर आप मान लीजिएगा। अब मैं इसको सावल में करता हूँ, सावल में आपको इस तरह से करना, ठीक है। अगर ज़्यादा इस तरह है तो आपको क्या करना है कि ईंट को इस प्रकार से इसके इतनी दूरी रखनी है, आप देख लीजिएगा इतनी दूरी आपको रखनी है, इतनी सी दूरी, ठीक है। सावल हिलनी चाहिए इस प्रकार से। जब इस तरह से हो जाएगा दोस्तों आपका पिलर, तो आपके ऊपर इसके ऊपर खड़ा वजन चाहे आप कितना भी पटको, इसके ऊपर खड़ा वजन चाहे आप मतलब बहुत ज़्यादा खड़ा वजन पटक दो, लेकिन फिर भी ये पिलर है ना, ऊपर से आने वाला वजन है पिलर के ऊपर, ये पिलर लोड ले लेगा। लेकिन आप इसके ऊपर साइड से आप इसके ऊपर वार करोगे साइड से दोस्तों, तो ये साइड से वजन नहीं सह पाएगा। कहने का मतलब अगर आपका जो पिलर है दोस्तों, अगर वो सावल में नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढा होगा, अगर ऐसे ऐसे होगा ना दोस्तों, तो जो आपका पिलर है दोस्तों, वो बिल्कुल इस तरह से दब जाएगा नीचे और वो लोड सह नहीं पाएगा। तो जब भी आप सावल करो दोस्तों, तो सावल में आपको एक भी गलती नहीं करनी है। जिस प्रकार से जो तिल्ली सीधी होते हैं दोस्तों, जैसे तो माचिस की तिल्ली बिल्कुल सीधी है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पिलर को बिल्कुल सीधा चुनना सावल के अंदर। अगर आपके पिलर सावल में है दोस्तों, तो आपका पिलर के ऊपर आप ऊपर से कितना भी आप खड़ा वजन पटकोगे, आपका पिलर नहीं टूटेगा। अगर वही पिलर आपने सावल चेंज करके इधर उधर ऐसे हो गए दोस्तों, जब आप ऊपर से छत डलवाओगे, तो जो पिलर है दोस्तों, वो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेगा। तो जब भी आप पिलर चुनो, या फिर ईंटों का चुनो, चाहे पत्थर का चुनो, या फिर जो अपना कॉलम बिल्डिंग होती है, जब आप कॉलम बनाओ, कॉलम का पिलर बनाओ, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पिलर आपका बिल्कुल सावल में होना चाहिए, इस प्रकार सीधा होना चाहिए। अगर आपका पिलर ऐसे हैं, तो उसके मतलब वो खड़ा वजन लोड नहीं ले पाएगा। तो आप अगर आप मकान मालिक हो, तो आप भी सावल लगा के चेक कर सकते हो कि आपका पिलर सावल में है या नहीं है। अगर कोई नया मिस्त्री है दोस्तों, तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने आज आपको क्या बताया कि आपको सावल में थोड़ी सी भी गलती नहीं कर, थोड़ी सी भी गलती कर दी दोस्तों आपने, तो ये जो पिलर है दोस्तों, ये आपका खराब हो जाएगा, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब पिलर दोस्तों, जब हम मकान मालिक बोलते हैं हमारे बड़ा पिलर बनाओ, बड़ा पिलर बनाओ, बड़ा पिलर से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप 14x14 का पिलर बना रहे हो, 9x9 का पिलर बना रहे हो, अगर उसके ऊपर खड़ा वजन पटक रहे हो, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लोड लेगा आपका पिलर। अगर आप वही पिलर आप बड़ा बना रहे हो और उसको सावल में नहीं बना रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, तो कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ मिली होगी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। वैसे आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, तो काफ़ी प्यार दुलार दे रहे हो दोस्तों, लेकिन फिर भी इस वीडियो को भी आप सपोर्ट कीजिए
शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं मतलब हट के चीज बताता हूँ दोस्तों, अलग अलग प्रकार की चीज बताता हूँ मेरे चैनल पे। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, जो रेड कलर का बटन है उसको भी दबा के सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।